हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ब्यूटीफुल डिज़ाइनर ड्रेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर 1.5 मीटर नेट का फैब्रिक लिया है और 2 मीटर अस्तर लिया है। अस्तर मैंने यहाँ कॉन्ट्रास्ट में रखा है, आप चाहें तो इसे मैचिंग कलर का भी ले। ये जो हमारा मेन फैब्रिक है इसे हम स्क्वायर शेप में काट लेंगे। अब हम इसको बंद भाग के साइड से एक कोना उठाते हुए ऐसे ट्रायंगल शेप में रख लेंगे। हमें कपड़ों के चारों भाग को अच्छे से बराबर मिलाते हुए इसे एक ट्रायंगल शेप में रखना है। अब कपड़े की जो बंद भाग है वो हम अपने साइड रखेंगे और खुली भाग को हम अपोजिट साइड रखेंगे। खुली भाग हम अपोजिट साइड रखेंगे और बंद भाग को अपने साइड रखेंगे। अभी हम यहाँ ऊपर कॉर्नर पे से 9 इंच का एक निशान लगाएंगे। 9 इंच का निशान लगाने के बाद अब हम बंद भाग की साइड गला निकालेंगे। हम 3 इंच पे गले का निशान लगाएंगे और इसे गोलाई दे देंगे। इसके बाद हम 3 इंच का एक शोल्डर का निशान लगाएंगे। अब हम आर्म होल के लिए यहाँ 6.5 इंच का एक निशान लगाएंगे और इसे गोलाई दे देंगे। अब हमने यहाँ नेक, शोल्डर और आर्म होल का निशान लगा लिया है। अब हम इसको कट कर लेंगे। कटिंग कर ली हमने इसकी। ये कुछ ऐसा शेप रहेगा इसका, नीचे से ये ट्रायंगल शेप में रहेगा। अब हम इसके अस्तर की कटिंग करेंगे। ये अस्तर है, हमने यहाँ 2 मीटर अस्तर लिया है। अस्तर की कटिंग करने के लिए हम अस्तर को 2 भाग में फोल्ड कर लेंगे। अब हम हमारा जो नेट का फैब्रिक है उसे खोलकर इस पर प्लेस कर देंगे। हम इसको कपड़े पर अच्छे से प्लेस कर लेंगे। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। अब हम इसको कट कर लेंगे। हमें मेन फैब्रिक की जैसे हमने कटिंग करी थी वैसे ही हम अस्तर को भी कट कर लेंगे। ये हमने मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों यहाँ कट कर लिया है। अब
अब हम सबसे पहले गले में सिलाई लगाएंगे। हम अस्तर को नीचे रखकर और मेन फैब्रिक को ऊपर रखेंगे और गले में निशान लगाएंगे, फिर हम इसको पलट देंगे। हम यहाँ गले में सिलाई लगा लेते हैं। पहले हमने यहाँ गले में सिलाई लगा ली है, अब हम इसमें छोटे छोटे कट लगाकर और इसको पलट देंगे। हम जब भी गले में सिलाई लगाते हैं अस्तर के साथ तो हमें उसमें छोटे छोटे कट ज़रूर लगाएं ताकि आपका गला फिनिशिंग से बने। अब हम इसको पलट लेंगे। गले को पलटने के बाद हम एक फिनिशिंग की ऊपर सिलाई लगा देंगे। अब हम कंधियों को जोड़ेंगे। कंधियों को जोड़ने के लिए हम नेट फैब्रिक की कंधी को जोड़ेंगे और अस्तर की कंधी को अस्तर की कंधी में जोड़ेंगे ताकि हम जब इसको पलटे तो सिलाई हमारी अंदर दिखे नहीं। तो चलिए पहले इसको जोड़ लेते हैं। यहाँ हमने कंधी अटैच कर दी है, ये देखिए अंदर से भी हमारी सिलाई अंदर दब गई है और बाहर से एकदम फिनिशिंग से दिख रहा है। इसके बाद हम आर्म होल को भी ऐसे अंदर की साइड से जोड़ लेंगे, इसको ऐसे उल्टा करते हुए। इसको अंदर की साइड फोल्ड करते हुए हम इस पर सिलाई लगा लेते हैं। तो चलिए पहले इस पर सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए हमने शोल्डर पर सिलाई लगा ली है। हम जब इसे उल्टा करके फोल्ड करके सिलाई लगाते हैं तो हमारी सिलाई अंदर की तरफ दब जाती। अब हम आर्म होल के बाद ही ऐसे ही नीचे भी सिलाई लगा लेंगे। दोनों कपड़ों को अपोजिट साइड ऐसे पकड़ते हुए अंदर हम इस पूरे में सिलाई लगा लेंगे। हमने इसके तीनों कोनों पर सिलाई लगा ली है, देखिए अब हम इसको पलट लेंगे। ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अंदर से इसको सिलाई लगाने के बाद हम ऊपर से भी एक सिलाई लगाएंगे ताकि ये फिनिशिंग से सेट हो जाए। अब हम इसको यहाँ पलट लेंगे। हम यहाँ चेस्ट पे फिटिंग लगाएंगे। फिटिंग लगाने के लिए हम यहाँ इलास्टिक का यूज़ करेंगे। उसके लिए हमें कंधी से 9 इंच पे एक चेस्ट का निशान लगा लेना है। कंधी से 9 इंच पर हम एक निशान लगाएंगे। ऐसे ही हमें गोलाई में नौ इंच पर दोनों तरफ निशान लगा लेना है। ऐसे ही हम दूसरे भाग पर भी 9 इंच का निशान लगा लेंगे। अब मैं यहाँ ड्रेस की फिटिंग के लिए यहाँ इलास्टिक का यूज करूंगी। मैंने 16 इंच का एक इलास्टिक लिया है, इसको हम एक कोने से अटैच करते हुए ऐसे खींचते हुए दोनों तरफ इसको लगा लेंगे। चलिए इसको अटैच कर लेते हैं। देखिए हमारा इलास्टिक हमने अटैच कर लिया और इलास्टिक अटैच करने के बाद कुछ इस तरह से लुक आ रहा है ड्रेस का और ये दिखने में काफी सुंदर दिख रही है।
ये हमने इलास्टिक अटैच कर लिया अंदर से। अब हम यहाँ इसमें एक बेल्ट लगाएंगे। बेल्ट के लिए मैंने 3 इंच चौड़ा और 55 इंच लंबी एक पट्टी ली है। इसे हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे और इस पर सिलाई लगा देंगे और बाद में इसको पलट लेंगे। ये हमारा बेल्ट तैयार है। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।